भी बैंकर स्वागत है आपका आज की क्लास में आज की मैं हूँ प्रीति मैम और आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड ये वाली वीडियो है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप भी एक्साइटेड रहिएगा चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्या वो है आर्टिकल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के एंड तक क्योंकि मुझसे ज्यादा आपको पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आर्टिकल राइटिंग बता दो आर्टिकल राइटिंग बता दो तो फाइनली आई एम रियली सॉरी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है पर वीडियो ये वाली जो है ना थोड़ी मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने में क्योंकि आपको समझाने के लिए थोड़ी मेहनत तो मुझे करनी ही पड़ती है तो इसी वजह से वीडियो के एंड तक बने रहिएगा वीडियो बहुत ज़बरदस्त है जैसा कि आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं स्क्रीन पे ही कि ट्रिक वाली है फुल फुल में फुल मार्क्स आएंगे मैं गारंटी देती हूँ उस चीज़ की कि अगर आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स आपको आएंगे आर्टिकल राइटिंग में और जैसा कि आपको पता है आर्टिकल राइटिंग कितने मार्क्स का होता है चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए आर्टिकल राइटिंग कितने मार्क्स का होता है वैसे ये भी मैं डिस्कस करूँगी आगे वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सो so, सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल है क्या मतलब क्या है मतलब क्यों लिखते हैं आर्टिकल सो so, आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर अ लार्ज ऑडियंस द मेन मोटिव बिहाइंड राइटिंग इज एन आर्टिकल दैट इट शुड बी पब्लिश्ड इन आई द और मैगज़ीन्स और जनरल सो एज टू मेक इट समिफरेंस टू द वर्ल्ड तो आर्टिकल क्या होता है क्यों लिखते हैं आर्टिकल सबसे सब पहले तो ये जान लीजिए कि आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर में लिखते हैं या तो मैगजीन में लिखते हैं या तो जनरल मंथली मन, जर्नल्स जर्नल्स आते थे हैं ठीक है उसमें लिखते हैं तो आर्टिकल बेसिकली जो होता है ना वो हमेशा लार्ज ऑडियंस के लिए लिखा जाता है मतलब एक साथ जब आपकी बात कोई बहुत सारे लोग पढ़ रहे हो एक बहुत सारे लोगों तक आपकी बात पहुँच रही हो वैसे अगर आप कुछ बात लिख रहे हैं वैसे किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा बहुत इंपैक्ट डालेगा तो उसको आर्टिकल कहते हैं इट मे बी द टॉपिक्स ऑफ ऑफ इंटरेस्ट द राइटर और इट मे बी रिलेटेड टू सम तो आर्टिकल कुछ भी हो सकता है ना ऐसे तो आपको एग्जाम में जो एग्जामिनर देगा टॉपिक वो लिखना होगा बट एज इन समझ लीजिए कि आर्टिकल वो होता है या तो वो आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की कोई बात होती है वो आर्टिकल होता है या तो आपको कोई टॉपिक दे रखा होता है वो आर्टिकल आपको लिखने बोलता है या तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उसके ऊपर लिखते हैं तो बेसिकली रिपोर्टर्स लिखते हैं आर्टिकल है ना जो एडिटर्स होते हैं रिपोर्टर्स नहीं एडिटर्स जो होते हैं वो लिखते हैं आर्टिकल ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं आ, आपको क्या क्या पता होना चाहिए आर्टिकल राइटिंग के बारे में सबसे पहली चीज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है ये आर्टिकल लिखना बच्चों का खेल नहीं बच्चों को ही लिखना होता है पर बच्चों का खेल नहीं होता है ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आप में आपको शब्दों से खेलना आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए मतलब मैं एकदम गुलजार साहब बनने की बात नहीं कर रही पर फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना आपको शब्दों को मैनुपुलेट करना आपको आना चाहिए वोकेबलरी यानी कि शब्द जो है आपके पास भंडार अच्छे खासे शब्दों के भंडार होने चाहिए अगर आपके पास शब्दों के भंडार हैं बहुत अच्छी बात है नहीं है तो डिस्क्रि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो कैबुलरी की बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं जो आपके आर्टिकल राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी तो एक बार उसको चेक कर लीजिएगा जिस नॉलेज के बारे में लिखने के लिए बोला जा रहा है जिस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए बोला जा रहा है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए पता चला आपको बोल दिया ब्रेग्जिट के बारे में लिखने के लिए अब ब्रेग्जिट क्या है ये नए टर्म सुन रहे हो ना तो ब्रेग्जिट का तो नहीं पता है अभी सोच लो अगर एग्जाम में आ गया ब्रेग्जिट लिखने के लिए तो क्या ही लिख कर क्या हो है ना तो इसी वजह से जो भी चीज़ें आसपास चल रही है ना थोड़ा बहुत मुझे पता है स्कूल की पढ़ाई के साथ दिक्कत होती है थोड़ी सी बट थोड़ा बहुत आइडिया तो रखना ही चाहिए फ्लो ऑफ राइटिंग स्किल आपका राइटिंग स्किल बिल्कुल फ्लो ही होना चाहिए है ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ आप सोच सोच के लिख रहे हैं आप सोच सोच के ही लिखेंगे पर एग्जामिनर जब उसको पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि, अरे वाह क्या आर्टिकल लिखा है चलिए देखते हैं अगला अगली पॉइंट पर्पस क्या होता है आर्टिकल लिखने का क्यों लिखा लिखवाते हैं आर्टिकल टू चेक द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑन द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड देखो न्यूज़पेपर मैगजीन में एक्चुअल में जो आर्टिकल आते हैं वो तो क्यों लिखते हैं वो मैं पहले बता चुकी हूं पर आपको एग्जाम में क्यों लिखवाते हैं आर्टिकल ये जानना जरूरी है ठीक है क्योंकि आपके आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसके बारे में आपको कितनी अवेयरनेस है ये एग्जामिनर को जानना होता है आप कितना सोशल टॉपिक से रिलेटेड कंसर्न रहते हैं आपकी क्या राय है क्या विचारधारा है आपकी थॉट कितनी डेवलप हो रही है उससे रिलेटेड चीजें उसको उनको पता करनी होती है इसी वजह से आर्टिकल एग्जाम में आता है तो चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं फॉर्मेट जो है क्या क्या होना चाहिए हेडिंग होना चाहिए लाइन होना चाहिए बॉडी डेट एंड प्लेस होना चाहिए हेडिंग मतलब जो आपको दिया हुआ है हेडिंग uh, अगर दिया हुआ है कि यही हेडिंग लिखनी है तो वही लिख दो नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से एक आर्टिकल पे हेडिंग लिख दो देखो आर्टिकल में हेडिंग लिखना जरूरी है मैं बार बार बता रही हूँ आर्टिकल में हेडिंग लिखना जरूरी है ओके okay, तो कमेंट करके नहीं तो फिर पूछना शुरू करोगे मैम हेडिंग के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैम ने हेडिंग के बारे में बता दिया हेडिंग लिखना जरूरी है हेडिंग आपकी कैसी होनी चाहिए शार्प होनी चाहिए कैची होनी चाहिए और रिलेटेड टू द पॉइंट होनी चाहिए तो जो आप लिखने वाले हो उससे रिलेटेड होना चाहिए ये नहीं कि मंगल ग्रह पे जाना है तो चांद के बारे में लिख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं करना है बिल्कुल रिलेटेड होनी चाहिए थोड़ा सा मेहनत कर लो यार रिलेटेड वाली हेडिंग होनी चाहिए शार्प होनी चाहिए कैची होनी चाहिए अच्छा एक चीज कभी नोटिस किए जिस मूवी का नाम बहुत अच्छा होता है हम लोग वो मूवी ज़रूर देखने जाते हैं है ना तो वैसा ही होना चाहिए कि आपकी जो पिक्चर आप, आप लिख रहे हो उसमें उसको एग्जामिनर को आपको वहाँ पे लाना है उसको पढ़वाने के लिए है ना तभी तो नंबर देगा नहीं तो कैसे नंबर देगा है ना तो हेडिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए बाईलाइन का मतलब होता है नेम ऑफ द ऑथर आप यानी कि आप अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप फलाना धमाका हो तो वो लिख दो नहीं दिया हुआ है तो अपना नाम लिख दो या किसी का भी नाम लिख दो यार कुछ नहीं होता ठीक है अच्छा नाम कहाँ पे लिखते हैं नाम कहाँ पे लिखते हैं मतलब राइटिंग सेक्शन की मैं जितनी वीडियो बनाती हूँ उसमें तो मैं पागल ही हो जाती हूँ बिल्कुल कि मैम किधर लिखे लेफ्ट लिखे राइट लिखे डाउन लिखे इधर लिखे उधर लिखे तो गाइज ध्यान से मेरी बात सुनिए नाम आप हेडिंग के नीचे बाएं साइड लिख दीजिए तो भी चलेगा दाहिने साइड लिख दीजिए तो भी चलेगा आर्टिकल खत्म होने के बाद बिल्कुल आखिर में लिखिए अपनी नाम तो भी चलेगा है ना कहा चलेगा राइट में लिख दो तो भी चलेगा लेफ्ट में लिख दो तो भी चलेगा ऊपर लिखो तो भी चलेगा आर्टिकल खत्म होने के बाद लिखो तो भी चलेगा तो अब आप डिसाइड कैसे करोगे अब 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 मेरे को क्या क्वेश्चन आएंगे ना तो मैम कैसे डिसाइड करें मतलब कहां लिखे हम लोग तो बच्चे आप वहां लिखिए जहां पे आपको स्कूल में बताया गया है ठीक है स्कूल में भी तो टीचर्स बताते होंगे ना आपको कि फॉर्मेट तो बताते होंगे तो स्कूल की टीचर जो लिखवा रहे हैं ना आपको जैसा आर्टिकल का मान लो सैम्पल लिखा दिया तो फिर आप ना वैसे लिखो अगर मान लो स्कूल में लेफ्ट में लिखाया तो लेफ्ट में लिख लो लास्ट में लिखाया लास्ट में, ला, में लिख लो और राइट साइड पर लिखाया तो राइट साइड पर लिख लो ठीक है कहीं पर भी लिखो मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप आराम से लिखो बेटर है कि आप स्कूल को फॉलो करो बॉडी कैसी होनी चाहिए चार पैराग्राफ्स होने ही होने चाहिए चार पैराग्राफ से नीचे लिखने के आर्टिकल सोचना मत नहीं तो फिर नोटिस और आर्टिकल में क्या फर्क रह जाएगा है ना तो खैर चार पैराग्राफ जो हैं वो होने चाहिए और डेट और प्लेस होना चाहिए डेट और प्लेस किसके लिए ये न्यूज़पेपर के लिए होना चाहिए ठीक है आप अगर मैगजीन के लिए लिख रहे हो तो आप डेट और प्लेस नहीं लिखोगे जर्नल के लिए लिख रहे हो तो भी डेट और प्लेस नहीं लिखोगे न्यूज़पेपर के लिए अगर आर्टिकल लिख रहे हो जैसे लिखेगा कि राइट अ कॉलम ऑफ आर्टिकल फॉर अ डेली न्यूज़ तो आप डेट और प्लेस वहाँ पर मैंशन करोगे अगर बोलेगा स्कूल मैगजीन के लिए लिखो तो आप मैंशन नहीं करोगे ठीक है चलिए मार्किंग स्कीम देख लेते हैं मार्किंग स्कीम आठ से दस मार्क्स के आते हैं एट मार्क्स जो हैं वो टेंथ वालों के आते हैं और टेन मार्क्स जो हैं वो ट्वेल्थ वालों के आते हैं uh, किस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसके हिसाब से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते, है, होते हैं डिवाइड होते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे uh, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना राइटिंग सेक्शन में तो ना ही फॉर्मेट uh, और ये वो सब जानना जरूरी है बल्कि इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि किस जगह पे कितने नंबर हैं तो फॉर्मेट के लिए आपको एक नंबर मिलते हैं मतलब इसका मतलब यह है कि सिर्फ फॉर्मेट बना करके आ जाओ तो एक नंबर आपके पक्के हैं एक नंबर आ जाएंगे कंटेंट के लिए आपको चार नंबर मिलते हैं ठीक है जो आप लिख रहे हो चार पैराग्राफ मैंने बताया ना उन चारों पैराग्राफ के लिए मान के चलो आपको चार नंबर मिलते हैं टॉपिक से रिलेटेड कितना है वो है ना आप इधर उधर की बातें बकवास कर रहे हो या फिर टॉपिक से रिलेटेड ही बातें लिख रहे हो उसके लिए आपको ढाई नंबर मिलते हैं तो अगर मैं वाकई में बात करूँ सही तरीके से कॉन्टेंट के लिए आपको साढ़े मिल रहे हैं ना ऊपर वाले चार और नीचे वाले ढाई उसके बाद है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स बार बार बताती हूँ नो ग्रामर एरर्स नो वोकेबुलरी एरर्स स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए आपकी और ग्रामर में जो टेंसेज वाली जो पार्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए इन दोनों की ही वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा या तो मैं एंड में भी एंड uh, में भी होगा एंड में भी चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है चेक कर लीजिए उसको जल्दी से चलिए बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैराग्राफ कैसे होना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मेरा फेवरेट पार्ट है है ना पढ़ाने का पैराग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए क्योंकि नंबर नाप को यहीं से आने शुरू होते हैं इसके पहले तक तो जो बताई वो कहानी थी अब जो है ना नंबर की बात करेंगे हम लोग तो सबसे पहला जो पैराग्राफ आपका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वो पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा है आप क्या लिख रहे हो किस टॉपिक पे लिख रहे हो उसके बाद में इंट्रोडक्शन दे रहा है तो करना क्या है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग लाइन के साथ शुरुआत करनी है बहुत स्ट्रांग लाइन के साथ शुरुआत करनी है ट्राई टू स्टार्ट विथ अमेजिंग फैक्ट स्लोगन फिगर और स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन तो शुरुआत कैसे करनी है तो मैं बता दूं अमेजिंग फैक्ट मतलब कोई एक फैक्ट डाल दो कि अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ पेपर ऐसा 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 हुआ था मान लो ट्रीज़ के ऊपर लिखने को आया है ना तो बोल अकॉर्डिंग टू कोई भी एक न्यूज़ पेपर का नाम दे दो और लिखो कि अकॉर्डिंग टू उसका रिकॉर्ड दो का रिकॉर्ड के हिसाब से पेड़ नाम बहुत कम बच गए हैं हमारे है ना तो ये एक फैक्ट हो गया या तो स्लोगन डाल दो कि प्लांट अ ट्री अभी और उसका शेड जो है वो आप की जनरेशन को मिलेगा या तो ये डाल दो फिगर और स्टेटमेंट स्टेटमेंट आप कुछ डाल सकते हो कि इफ वी आर नॉट गोइंग टू सेव ट्रीज या ट्रीज आर द ओनली लाइफ लाइन इस तरीके की कुछ स्ट्रांग स्टेटमेंट या फिर एक क्वेश्चन पूछ के आप शुरुआत कर सकते हो कि डू यू नो हाउ मेनी ट्रीज वी आर लेफ्ट विथ ये आप यूज़ कर सकते हो ठीक है तो ऐसा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए ऐसा आपका स्टार्टिंग होना चाहिए दूसरा पैराग्राफ होना चाहिए कॉजेज इफेक्ट्स और प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इवेंट तो कॉजेज uh, क्या है मतलब क्यों लिख रहे हो उस, उस टॉपिक पे क्या ज़रूरत पड़ गई उस टॉपिक पे लिखने की और उसका इफेक्ट क्या क्या है मतलब जो भी लिख रहे हो अगर उसका कुछ इफेक्ट है तो वो क्या क्या है और अभी जो भी टॉपिक पे लिख रहे हो उसका अभी का क्या सीन चल रहा है अभी का क्या सिनेरियो चल रहा है ये आपको दूसरे पैराग्राफ में इंक्लूड करना है तीसरा पैराग्राफ जो है वो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ मतलब सेकंड वाले पैराग्राफ का ही एक्सटेंशन है ये मतलब उसी चीज़ को आपको क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो आप एक पैराग्राफ में नहीं लिख पाओगे ना तो तीसरे वाले पैराग्राफ में भी आपको वही सारी चीज़ें लिखनी है एक्सप्लेन करते हुए चौथा पैराग्राफ क्या होना चाहिए और ये आखिरी पैराग्राफ है दैट इज़ ड्रॉ अ कंक्लूजन और सोल्यूशन ऑलवेज एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट हमेशा जब भी आप कुछ लिखो तो आप सिर्फ प्रॉब्लम मत गिनाओ आप उसका सोल्यूशन भी दो है ना क्योंकि सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव होता है सोल्यूशन क्या करता है आपको एक उम्मीद जगाता है तो आपकी जो एंडिंग होनी चाहिए आर्टिकल की हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए हमेशा एक सॉल्यूशन के साथ होनी चाहिए हमेशा एक सजेशन के साथ होनी चाहिए तो ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि एग्जामिनर मैं बार बार बताती हूँ कि टीचर्स बीइंग अ टीचर teacher, मुझे ये पता है टीचर्स जो हैं वो स्टार्टिंग के खूब अच्छे से पढ़ते हैं एंडिंग के खूब अच्छे से पढ़ते हैं स्टार्टिंग एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ठीक है सो so, टिप्स क्या क्या जो हर वे राइटिंग सेक्शन के वीडियो में मैं कुछ टिप्स देती हूँ तो आज के टिप्स जो हैं वो ये हैं रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली ये तो मैं जितने बारी बोलूँ उतने बारी कम पड़ जाता है बच्चों से मेरी यही शिकायत होती है हमेशा कि भाई साहब क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो थोड़ा समय दे लो क्वेश्चन पे रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट टू द टॉपिक आपको जो भी टॉपिक मिला है उससे थोड़ा सा अपना कनेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके नेटवर्क क्षेत्र यानी कि दिमाग के नेटवर्क क्षेत्र में आती हैं उन सारी चीजों को आप ध्यान दीजिए यूज कोडर लैंग्वेज फॉर पर्सनल यूज कोडर लैंग्वेज मतलब आप छोटे छोटे एवेविएशन यूज कर सकते हैं कहाँ आप जो रफ एक ड्राफ्ट बनाएंगे अपने लिए उसमें यूज़ करना है मेन आर्टिकल में नहीं यूज़ करना है मेक थ्री, थ्री फोर पॉंट, मतलब थ्री फोर पॉइंट मतलब पॉइंट्स थ्री फोर पैराग्राफ्स हर एक पैराग्राफ के लिए तीन चार पॉइंट बना लो जिसको बाद में तुम आर्टिकल में एक्सप्लेन करोगे तो ये पॉइंट जो आप बना रहे हैं कोडर बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं रफ़ पेपर पे बना रहे हैं और आर्टिकल जो है वो आप फेयर पेपर पे लिख रहे हैं प्लान एंड ऑर्गेनाइज एंड द प्रेजेंट प्रेजेंट द आइडियाज़ कोहेरेंटली देखिए हो सकता है किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया हो और बहुत कुछ आप जानते हो पर अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे ना अच्छे से तो फिर आइडिया का आपका कोई काम नहीं होगा है ना तो आप क्या करो कि जिस ऑर्डर में आप लिखने वाले हो उसी ऑर्डर में पॉइंट्स लिखो और धीरे धीरे कोशिश करो उसको हर एक को एक एक को उठा करके एक्सप्लेन करने की क्रिएटिव बने रहो थोड़ा सा थोड़ा सा क्रिएशन अपना यूज़ करो थोड़ा सा दिमाग चला लो दौड़ा लो नहीं चला लो नहीं दौड़ा लो है ना यूज़ प्रॉपर लेआउट जो फॉर्मेट बताया उसी फॉर्मेट में लिखिए उसी को लेआउट कहते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कृपया ना करें आपकी मेहरबानी होगी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें ग्रामर सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे हैं चैनल का नाम है बी बैंकर और ग्रामर की वीडियोस इसमें जैसी हैं वैसी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी इसकी तो गारंटी है तो ग्रामर सीख लो राइटिंग स्किल में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए वहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं आपको ग्रामर भी मिल जाएंगे और और भी इसी तरीके के राइटिंग के वीडियोस भी मिल जाएंगी तो राइटिंग के वीडियोस में मतलब राइटिंग के क्वेश्चंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करने हैं ठीक है वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स का आता है ये आर्टिकल लिखने के लिए और दस नंबर का आता है तो मार्क्स उठने तो तय हैं और आपको अब करना क्या है आपको कुछ नहीं करना है इस वीडियो को कर लेना है सेव या इसको इसके लिंक को कर लेना है सेव और जब भी एग्जाम हो तब क्या करना है कुछ नहीं करना है बस ये अपनी तैयारी कर लो लिटरेचर और ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन की राइटिंग सेक्शन की जिम्मेदारी तुम प्रीति मैम पे छोड़ दो ठीक है बस वीडियो खोलो सुनो और चले जाओ एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाओगे डोंट वरी सो चलिए देख लेते हैं अब एक एग्जाम्पल अब इतनी सारी कहानी बता दी तो अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर का सीबीएसई का क्वेश्चन है ये ठीक है 2018 का सीबीएसई का क्वेश्चन है ये एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया है राइट एन आर्टिकल ऑन राइट एन आर्टिकल ऑन ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन फॉर योर स्कूल मैगजीन तो स्कूल मैगजीन के लिए आपको लिखना है ठीक है तो स्कूल मैगजीन के लिए क्या बताया था कि इसमें नेम डेट uh, और प्लेस जो है वो नहीं डलेगी और टॉपिक क्या दिया हुआ है कि ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए किस लिए पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए सो ग्रो मोर टू यूर ट्रीज राधिका शर्मा ये बाईलाइन है मतलब जिनके द्वारा लिखी गई है उनका नाम है ये सो so, आर्टिकल कुछ ऐसे शुरू होता है कैन वी थिंक ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विदाउट ट्रीज इफ यस इट वुड बी लाइक थिंकिंग ऑफ लिविंग लाइफ विदाउट ब्रीदिंग क्या हम धरती पर बिना पेड़ों के जीवन की कामना कर सकते हैं सोच सकते हैं इस बारे में तो ये सोचना कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि हम ये सोच रहे हो कि बिना सांस लिए हम जिंदा रह सकते हैं दिस कैन ऑल्सो बी सेट दैट इफ देर विल बी नो ट्रीज वी विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ मोर और लेस बोथ आर सेम थिंग तो हम लोग इसकी जस्ट विपरीत ये भी कह सकते हैं कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे सांस नहीं ले पाएंगे तो मोरोलेस बातें तो सेम ही हैं दोनों From the past recent years, trees are in a range of danger zone, which when it comes to the number of trees available for survival of mankind. बीते कुछ सालों की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रीज जो प्रेजेंट है मतलब जितने भी पेड़ पौधे प्रेजेंट हैं उनको अगर इन ह्यूमन काइंड के साथ मतलब मानव जाति के पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो उनकी संख्या जो है डेंजर जोन में है मानव के मतलब जिंदा रहने के लिए

ताजी शुद्ध हवा देते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे वो जितने भी हार्मफुल गैसेस होते हैं इन्वायरमेंट में उनको वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं ट्रीज बिल्ड अ शीट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। दे आर हैबिटेट ऑफ मेनी बर्ड्स एंड वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स ट्रीज हेल्प इन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंट सॉयल इरोजन तो एक शीट जैसा बना देते हैं ट्रीज ताकि अल्ट्रावायलेट रेज जो भी थोड़ी बहुत घुस रही है एक तो पहली ओजोन की लेयर है जो शीट घुसने नहीं देती है उसके बाद अगर थोड़ी बहुत भी घुस रही होती है तो उसको पेड़ पौधे रोक लेते हैं अपने तक सोख लेते हैं ताकि हम न, हमारे तक ना पहुंचे जंगलों में कई तरह के पशु पक्षी वास करते हैं वो उनका घर होता है और पानी वाटर पोल्यूशन और सॉयल इरोजन सॉयल इरोजन मतलब मिट्टी का बहाव उसको रोकने में भी ट्रीज जो है वो बहुत मदद करती हैं प्लांटिंग मोर ट्रीज हैव ऑलवेज बीन द मेजर कंसर्न ऑफ मेनी अयर्स स्टिल इट इज द मैटर ऑफ मूवमेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड आफ्टर ऑल वी शुड नॉट फर्गेट दैट द ट्रीज आर वन ऑफ द रीजन वाई मैन काइंड केम इन टू एक्जिस्टेंस तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए लगाने चाहिए लगाने चाहिए ये बातें आज से नहीं चल रही है इस बातों का मतलब लाइक like, कई साल हो गए जिससे ये बातें चल रही हैं जब से आ, ये एक कंसर्न का मैटर है ना ही सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ठीक है और हमें अल्टीमेटली ये भूलना भी नहीं चाहिए कि पेड़ों से हमें कितने फायदे होते हैं वन ऑफ़ द रीज़न्स है मतलब वो एक एक वन ऑफ द रीजन्स है जिसकी वजह से जो मानव जाति है वो सर्वाइव कर पा रही है धरती पर अभी तक In recent years, urbanisation has led to the cutting of trees for building concrete jungles. Thus, we lost the several benefits and we were getting what that we were getting from them. The only way to reverse this change is to plant more trees at a very faster rate. तो अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण करते 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 कंक्रीट का जंगल बन गया मतलब इधर देखो बिल्डिंग उधर देखो बिल्डिंग ऐसा करते करते हम लोग कहीं ना कहीं ये भूल ही गए हैं कि अच्छा पेड़ पौधे भी तो हैं उनको भी तो बचाना है और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बहुत मुश्किल आने वाली है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मतलब इस चीज़ को अगर रिवर्स करना है मतलब अगर वाकई पेड़ पौधों की जो जनसंख्या है वो आपस से बढ़ानी है तो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे और जल्दी से जल्दी लगाने होंगे ये नहीं कि साल में एक बार प्लांटेशन कर रहा नहीं फास्टर रेट पर करना होगा इस काम को और हम में से हर किसी को आपको मुझे हमारे दोस्तों को परिवारों को इस चीज़ में भागीदार बनना होगा क्योंकि जो एनवायरमेंट है जो प्रकृति है वो सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हमारी भी है हमारी जिम्मेदारी है सरकार अपना काम कर रही है पर हमें भी तो अपना काम करना चाहिए हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए प्ले देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ सर्वाइवल फॉर सम मोर ईयर्स तो अगर ये इस तरह की काम हम लोग करते हैं ना तो ये हम लोग धरती पे और कुछ सालों तक जीवित रहने का ख्वाब देख सकते हैं अ वेरी फेमस कोर्ट सेज वन जनरेशन ट्रीज एंड अदर जन अदर गेट शेड कि एक जनरेशन मतलब एक जो आपका जनरेशन है वो पेड़ लगाता है और दूसरा उसका जो उसके जो मतलब होते हैं जनरेशन आगे की जनरेशन जो होती है वो उस पेड़ की छावों में बैठती है उस पेड़ की छाओं को इंजॉय करती है सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज फॉर अस फॉर एंड फॉर आवर कमिंग जनरेशन तो अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी से प्यार करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए है ना और अपने अपने स्तर पे जितना काम हो सके उतना करना चाहिए सो so, यही है ये आर्टिकल इसी के बारे में लिखना था ये सी का पिछले साल का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आर्टिकल लिखेंगे आप तो आपको दस में से दस तो पक्का मिलने वाले हैं ठीक है सो की पॉइंट्स क्या क्या लिखना है लाइन जो है दोबारा बता रही हूं लेफ्ट में लिखो राइट right में लिखो नीचे में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर नहीं कटेगा पर मेक श्योर sure कि स्कूल में जैसा बताया गया है वैसा ही लिखें डेट और प्लेस जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं मैगजीन के लिए नहीं लिखते हैं सो यस एस दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वी विद बी बैंकर्स इंस्पायरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे और ट्विटर पे डेली अपडेट्स के लिए आ, वीडियो पसंद तो आ ही गई होगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करते वक्त बेल बेलाइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपलोड मैं डालू तो मान लो वो आपकी ही रिक्वेस्ट की हुई अपलोड हो तो फिर कैसे काम चलेगा आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो बेल आईकॉन जरूर से दबा दीजिएगा यह हमारा नंबर है ऑनलाइन नंबर है किसी भी तरह की ऑनलाइन क्वेरीज के लिए या और भी इस तरह की, की वीडियोस की लिंक डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पर पाने के लिए क्योंकि खंगालने जाओगे तो फिर इधर उधर कुछ और देखने लगोगे है ना तो डायरेक्टली लिंक अपने व्हाट्सएप पर पाने के लिए हमें जरूर व्हाट्सएप करें जो भी चाहिए उसको लिख करके व्हाट्सएप कर दे जैसे मान लीजिए आपको नोटिस राइटिंग पे वीडियो चाहिए तो लिख दो नोटिस राइटिंग लिख करके भेज दो तो वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगी जरूर मिल जाएगी आपको ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्यून टू बी बैंकर